तो फाइनली गाइस ओप्पो की तरफ से आ गया है नया अपडेट। तो चलिए, अगर आप ओप्पो रेनो 7 प्रो 5G हैंडसेट यूज कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी, जो ओप्पो ने निकाल लिया है अपडेट। जो चलिए कैसे करते हैं अपडेट, उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार अपडेट कैसे करें, जो एंड्रॉयड 12 का अपडेट लेके आया है हाल ही में ओप्पो की तरफ से। तो चलिए, अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग पे चले जाना है। चलिए मैं सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। सेटिंग पे जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप अबाउट डिवाइस आपको शो कर रहा है गाइस, देख सकते हैं सिस्टम सेटिंग के नीचे यहाँ जो शो कर रहा है अबाउट डिवाइस, सिंपली आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ऊपर आपको शो करेगा, आप देख सकते हैं अभी फिलहाल हम लोग का एंड्रॉयड वर्सन 11 है। इसके बाद आप जैसे यानी कि अपडेट करेंगे तो आपका 11.12 हो जाएगा, यानी कि एंड्रॉयड 12। तो चलिए, हम लोग अपडेट करने के लिए सबसे पहले न्यू वर्जन अवेलेबल पर क्लिक करते हैं। सिंपली जैसे आप क्लिक करेंगे न्यू वर्जन अवेलेबल पर, चेकिंग फॉर अपडेट यानी कि आपका प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे शो कर रहा है गाइस, देख सकते हैं मैक्सिमम अपडेट अवेलेबल यानी कि ऑफिशियल वर्जन है गाइस, कर लीजिएगा, जिसमें कलर 12.1 और एंड्रॉयड 12 देख सकते हैं गाइस। मैक्सिमम आपका डेटा जो है 5.27 GB का कंज्यूम होगा। तो गाइस, आप एक्सटर्नल डेटा पैक डलवा दीजिए ताकि आपका अपडेट कम्प्लीटली हो जाए। चलिए, हम लोग अपडेट करने के लिए सिंपली यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम यानी कि 6 GB तक आपका अपडेट हो जाएगा, 6 GB में। तो गाइस, आप एक्सटर्नल डाटा पैक डलवा लीजिए। तो चलिए, हम लोग वेट कर लेते हैं, तब तक वीडियो को पॉज कर देते हैं, आगे का प्रोसेस आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। चलिए, बने रहिए वीडियो में। तो चलिए, डाउनलोड होने तक हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस, देख सकते हैं हम लोग अब कम्प्लीटली 100% डाउनलोड हो चुका है। चलिए, हम लोग आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। जैसे आपका डाउनलोड होता है, सिंपली आपको नीचे दिख रहा है ग्रीन बटन इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल, चलिए मैं इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ, बने रहिए वीडियो में। जैसे आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का वेरीफाइंग होगा, देख सकते हैं मोबाइल रीसेट होगा यानी कि आपका मोबाइल जो है वो आपके ऑन होगा, रिपीट हो रहा है। चलिए, हम लोग वेट कर लेते हैं गाइस। जब भी आपको मिले, देख सकते हैं गाइस ओप्पो पावर बाय एंड्रॉयड यानी कि हम लोग का जो डिवाइस है रेडी हो रहा है। चलिए, हम लोग वेट करते हैं। जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपका मोबाइल में या किसी में अपडेट आया तो फटाफट आप अपडेट कर लीजिएगा गाइस। चलिए, हम लोग वेट कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बिग साइज का यानी कि काफ़ी ज़्यादा साइज का आपका एंड्रॉयड वर्सन आपका 11 से 12 हो रहा है गाइस, तो टाइम तो लगेगा ही। अब काफ़ी सिक्योरिटी के लिए आपका ये अपडेट लेके आया है आपकी तरफ से, तो वीडियो में बने रहिए गाइस। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, देख सकते हैं गाइस अपडेटिंग प्लीज वेट। चलिए, हम लोग वेट कर लेते हैं, देख सकते हैं अपडेटिंग हो रहा है हम लोग का। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब भी आपको अपडेट का मौका मिले, आप जब भी आपका मोबाइल पर अपडेट आए तो सबसे पहले आप अपडेट कर लीजिएगा। आपका सिक्योरिटी रीजन के लिए गाइस ओप्पो ने निकाला है, काफ़ी सारा जो भी फॉल्ट था वो अपडेट के बाद आपका काफ़ी स्मूथ चलेगा मोबाइल। तो चलिए, हम लोग वेट कर लेते हैं, देख सकते हैं गाइस अपडेटिंग डू नॉट रिस्टार्ट। आपको अपडेट करते वक्त आपको मोबाइल को ऑफ या रिस्टार्ट नहीं करना है। 1/8 इन दिस स्टेज अबाउट 2 मिनट। तो आपको यहाँ आपका टाइमिंग दे दिया है कि 2 मिनट के अंदर आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, 1 मिनट दिखा रहा है गाइस। तो चलिए, हम लोग वेट कर लेते हैं, तो देख सकते हैं कितनी तेज़ी से हम लोग का हो रहा है प्रोसेस। चलिए, देख सकते हैं ये कम्प्लीट होने जा रहा है फर्स्ट प्रोसेस, इसके बाद सेकेंड। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो फर्स्ट है 2 नंबर प्रोसेस हो रहा है, इसमें आपका देखिए कम्प्लीटली अभी 4 मिनट अबाउट दिखा रहा है। चलिए, हम लोग वेट कर लेते हैं आखिरकार, देख सकते हैं इतना इजीली फास्ट तरीके से आपका रिबूट हो रहा है, अपडेटिंग हो रहा है। इसके बाद दूसरा है, यह तीसरा लगेगा, देख सकते हैं गाइस 3rd नंबर रिबूट हो रहा है, यानी कि 8 फेज है आपका, 8 फेज जैसे रिफ्रेश होगा, तीसरा चल रहा है हम लोग का। चलिए, वेट कर लेते हैं कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा गाइस, आपको कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में मिल जाएगा कि आखिर ओप्पो को कैसे यानी कि अपग्रेड यानी कि अपडेट कैसे करते हैं। तो डोंट स्किप गाइस। अगर गाइस मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गाइस, देख सकते हैं कितना फास्ट हो रहा है, तीसरा फेज चल रहा है, इसके बाद 4th फेज होगा गाइस, देख सकते हैं काफ़ी, देखिए 4th फेज चल रहा है, काफ़ी स्मूथ चलेगा मोबाइल गाइस अपडेट करने के बाद, यानी कि एंड्रॉइड वर्सन भी बढ़ेगा, आपका कलर वर्सन भी बढ़ेगा, काफ़ी अपग्रेड सिक्योरिटी पैच वगैरह वगैरह सब कुछ अपग्रेड हो जाएगा गाइस, स्मूथली चलेगा। इसलिए मैं आपसे सबसे पहले बोलूँगा कि आपका मोबाइल में अगर अपडेट आ गया है तो जल्द से जल्द आप अपग्रेड कर लीजिए। तो इसमें क्या क्या बढ़ता है आपको मैं पूरी बारीकी से एक्सप्लेन करूँगा, मोबाइल को ऑन होने तक आपको दिखा दूँगा क्या क्या अपग्रेड हुआ है। चलिए, वेट कर लेते हैं, देख सकते हैं अपग्रेड हो रहा है हम लोग का।
इस बार 5 फेस हो रहा है, इनकी 4th कंप्लीट 5 हो रहा है। 5 प्रोसेस बहुत ही स्मूथली चल रहा है गाइस, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप जब भी कीजिएगा आराम से कीजिएगा, स्मूथली आपका अपग्रेड होते रहेगा। देख सकते हैं काफ़ी बिग साइज का जो आपका अपग्रेड हो रहा है, अच्छा था फिर चल रहा है हम लोगों का। चलिए वेट कर लेते हैं, 6th फेज कंप्लीट होने जा रहा है। चलिए 7वां फेज हो रहा है, 7वां स्टेज हम लोग का कंप्लीट हो रहा है। देख सकते हैं कितना फास्ट हो रहा है हम लोग का। आखिरी फेज देख सकते हैं, 8वां फेज हो रहा है, आखिरी और लास्ट फेज। इसके आगे का प्रोसेस देख लेते हैं, वीडियो में बने रहेगा जी। देख सकते हैं आखिरी फेज हम लोग का होने जा रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑटोमेटिकली आपका अपग्रेड होते रहेगा। चलिए आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। देख सकते हैं हम लोग का 8वां फेज कम्प्लीटली हो गया है, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। चलिए देख सकते हैं फिर ओप्पो और वाई एंड्रॉयड दिख रहा है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग आखिर क्या आ रहा है। देख सकते हैं इस पर कलर वो एस दिखा रहा है हम लोग को। चलिए यहाँ फिर ऑप्टिमाइजेशन ऐप्स वगैरह देखिए, यहाँ परसेंटेज बढ़ रहा है, 45% हो चुका है, 52 जो बहुत जल्द फास्ट हो रहा है गाइस। चलिए वेट कर लेते हैं हम लोग 100 होने तक। आपका ये अपग्रेड फुल्ली अपग्रेड होने के बाद आपका मोबाइल स्मूथली रन करेगा, यानी कि धांसू चलेगा। चलिए 66 हो गया है, 67 है, 70। चलिए वेट करते हैं 100 होने तक। चलिए 80% पार हो चुका है गाइस, देखिए 100% कंप्लीट होने ही वाला है, 95 हो चुका है। चलिए 100 हो गया गाइस, ऑप्टिमाइजेशन ऐप्स 100%। उसके बाद चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। देख सकते हैं गाइस हम लोग का कंप्लीटली अपग्रेड हो चुका है, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ है। चलिए हम लोग इसको अनलॉक कर लेते हैं। देख सकते हैं गाइस कंप्लीटली हम लोग का जो है मोबाइल अपग्रेड हो चुका है, अभी कंप्लीट होने दीजिए गाइस। चलिए हम लोग अभी फिलहाल 30 सेकंड तक वेट कर लेते हैं, अभी लोडिंग हो रहा है गाइस। देख सकते हैं सिक्योरिटी मेजर अपडेट, स्मार्ट नोटिफिकेशन होर्डिंग, बहुत सारे क्या क्या अपग्रेड हुआ है, चलिए हम लोग आपको दिखा देते हैं। चलिए अभी वेट कर लेते हैं, अभी कम्प्लीटली नहीं हुआ गाइस, अभी जस्ट डिवाइस ऑन हुआ है, कम्प्लीट रन हो जा रहा होने दीजिए, तब तक वेट करते हैं। देख सकते हैं न्यू वर्जन इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है गाइस। देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिंपली शो कर रहा है, देख सकते हैं इसको डाल देते हैं। देख सकते हैं गाइस न्यू वर्जन इंस्टॉल, अपडेट इंस्टॉल, वी सजेस्टेड चार्जिंग योर डिवाइस फॉर 1-3 आवर्स विथ स्क्रीन ऑफ, योर सिस्टम कैन बी फुली ऑप्टिमाइज। ओके गाइस चलिए देख लेते हैं हम लोग ऑप्टिमाइज, इसके बाद हम लोग चलिए देख सकते हैं 100% चेंज हुआ या नहीं, चलिए देख लेते हैं। फिर यहाँ का प्रोसेस देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे भी सिस्टम में भी बहुत सारा चेंजेस हो गया है, बहुत ही स्मूथली चल रहा है गाइस, मज़ा आ गया, धांसू चल रहा है। चलिए सेटिंग में जाके हम लोग चेक कर लेते हैं, आपको लाइव प्रूफ बताते हैं ताकि क्या फ्यूचर चेंज हुआ है। देख सकते हैं गाइस आप इससे पहले देखे थे जो कि एंड्रॉयड वर्सन, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है यहाँ एंड्रॉयड 11 था, जो कि एंड्रॉयड 12 हो चुका है, यानी कि वर्सन अब बढ़ चुका है। देख सकते हैं सिंपली गाइस यहाँ पे रैम एक्सपेंड होगा नेक्स्ट अपडेट में। तो गाइस आई होप आपको फुल्ली बारीकी से समझ आ गया है कि ओप्पो रेनो 7 प्रो में, यानी कि ओप्पो रेनो 7 प्रो 5G को अपग्रेड कैसे करें, यानी कि 11 से 12। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गया है, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपको पूरा रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।